वह सर्वेश, और आज आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,000 वैकेंसी होने जा रही है उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ आपको। कल मॉर्निंग में एक आज वीडियो आप लोग को मिला था जिसमें स्पोर्ट्स कोटे की उम्र आप लोग को गलती बस बता दिया था, उसको लेके मेरे कुछ भाई हैं गलत मैसेज किए। लेकिन आप ये तो सोचो कि जो चीज़ें मैं बताते चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स की कॉन्स्टेबल भर्ती बताया, स्पोर्ट्स की दरोगे भर्ती बताया, 60,000 वैकेंसी के बारे में लगातार हमने सूचनाएं दी, सारी सही निकली। आगे भी यही सच्चाई है कि आपकी लिखित पेपर बहुत हार्ड होने जा रही है। क्यों होने जा रही है आप लोग भी जानते हैं, मैं हर चीज़ के बारे में नहीं खुल के बोल सकता इसलिए कि मेरे प्रति कार्रवाई हो जाएगी। तो आप लोग समझिए, अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से और हाई रिजल्ट को उठाइए, नहीं तो आप लोग का होना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ पे 23/12/2023 से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अप्लीकेशन 27/12/2023 से भरा जाएगा, जो कि 16/1/2024 तक ये आवेदन किया जा सकता है। इसका जो पेमेंट होगा आपका वो 16/1/2024 को लास्ट रहेगा जमा करने का। आप लोग का जो भी इसमें चार्ज रखा है, जनरल ओबीसी को 400 रुपये, SC ST को भी 400 रुपये यहाँ पेमेंट देना पड़ेगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी उम्र की जो गणना होगी 1/7/2023 को ही इसकी गणना की जाएगी। मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष होना जरूरी है, मेल का जनरल की बात हो रही है अभी तक। और जो फीमेल है उसका 25 वर्ष है, यहाँ खोल के देख लो मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी गलत कमेंट्स मत करो, गलत बात मत बोलो, उसके बाद कोई क्वेश्चन क्या करो। देखना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, जो पढ़ना चाहता है उसका भी कैरियर तुम बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हारे जैसे गलत लोग ही यहाँ पे ऐसे कार्य करते हैं। ये देख लीजिए, 60,244 पद पे आपकी वैकेंसी आई है। 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। इसके अलावा आप देख लीजिए, जनरल के लिए 24,102 सीट है, ओबीसी के लिए 16,264 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 सीट है, एससी के लिए 12,650 है और एसटी के लिए 1204 सीट, यानी 60,244 सीटों पर आपको यहाँ फाइट देखने को मिलेगी। फिजिकल जो होगा उसके बारे में अब भी आपको डिटेल दे रखा है यहाँ पे। हाइट जो होगी 1.68 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी की होगी। उसके बाद मेल एसटी की हाइट 1.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की जनरल ओबीसी एससी की हाइट जो होगी 1.52 होनी चाहिए, फीमेल की एसटी की हाइट 1.47 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। चेस्ट होगा मेल जनरल ओबीसी एससी का 79 से 84 सेंटीमीटर, मेल एसटी का 77 से 82 सेंटीमीटर, फीमेल का जनरल ओबीसी एससी का चेस्ट नहीं नापा जाएगा, किसी भी फीमेल का चेस्ट यहाँ पे नहीं नापा जाएगा, ठीक है। रनिंग देख लीजिए आपका 4.8 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर 25 मिनट में केवल कंप्लीट करना है, पास होना है, बाकी सारा चीज लिखित पे छोड़ दिया है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर 14 मिनट में आपको पूरा करना है। ये है इनका डिटेल, यानी लिखित पेपर पे सारा मेरिट बनने जा रहा है। फिजिकल में किसी भी आधार से कोई नंबर नहीं है, जिसमें इसमें सबसे अधिक कटेंगे यादव समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो कटेंगे, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो यहाँ बाहर होंगे, साफ सीधी सी बात है। तो इस पे विशेष आपको ध्यान देना है। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म 27 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसको आप लोग प्रॉपर रीड कर लें और तैयार हो जाएं। आप इसको sarkaririzult.com से या यूपी पुलिस की सरकारी वेबसाइट से भी जाके अपने आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने बार बार यही आपको बताया कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपका रिजल्ट जो बनेगा लिखित पेपर पे बनेगा, और इस बार लिखित पेपर बहुत हार्ड होने जा रहा है। मेरे को इस यहाँ एज की बात ये कहनी थी कि जो लड़के कोरोना में भर्ती नहीं आई और नहीं देख पाए, उनकी
एज में रिलैक्सेशन देके 25 वर्ष कर देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो ये थोड़ी दुख की बात है, ये चिंता की बात है हम सभी के लिए कि उन बच्चों को मौका देना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ये बहुत अधिक जरूरी है। लेकिन आप लोग को तो अपनी सूझी है, किसी को गलत बोल दो भर्ती होना नहीं है और अन्य लड़कों को परेशान करना है, तो अपना जो थॉट है ना अपने घर वालों को दो, गंदी थॉट अपने घर वालों को दो। यहाँ वही लड़के मेरे साथ रहे जिनको भर्ती होना है, जिनको भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानना है, ये हमारा संघर्ष है और हमेशा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।